वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 5th का पार्ट 14 पढ़ेंगे। अब हमें कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है। इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड, मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन कहां मिलेगी? सेक्स क्रोमोजोम्स में। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं? सेक्स लिंक डिसऑर्डर। और ये डिसऑर्डर कैसा है? रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसको हम आगे समझेंगे। ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। अब देखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो हमारी आंखों में रेड और ग्रीन कोन सेल्स होते हैं। देखो आंखों में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं कोन सेल और एक होते हैं रॉड सेल। जो कोन सेल होते हैं वो कलर को देखने में मदद करते हैं, और जो रॉड सेल होते हैं वो रात को देखने में मदद करते हैं। अब जो कोन सेल है उसमें जो रेड और ग्रीन कोन है उसमें डिफेक्ट हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसमें रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट हो गया, ऐसा पर्सन रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं बता पाता है। मतलब ऐसे पर्सन को ये पता ही नहीं चलेगा कि ग्रीन कलर कौन सा है और रेड कलर कौन सा है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोजोम्स। अब देखिए एक्स क्रोमोजोम्स में कुछ जीन्स पाई जाती हैं। इन जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाती है, मतलब इन जीन्स में जब कुछ चेंज आ जाता है, तो उस वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो सेक्स क्रोमोजोम में मिलती है, ये हमने पढ़ लिया था। और कौन से सेक्स क्रोमोजोम में मिलती है? एक्स क्रोमोजोम में। ठीक है, कौन से क्रोमोजोम में? एक्स क्रोमोजोम में। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल्स। आप देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो 8% तो मेल्स में होता है और 0.4% फीमेल्स में होता है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस ज्यादातर किस में होता है? मेल्स में। और बहुत कम फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें कलर ब्लाइंडनेस होता है। अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लेड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोजोम। अब देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है वो कहां मिलती है? एक्स क्रोमोजोम में। मेल्स हैव ओनली 1X क्रोमोजोम एंड फीमेल्स हैव 2। अब ये भी हमें पता है जो मेल्स होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोजोम होता है और एक वाई क्रोमोजोम होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें 2X क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, और यह भी हमें पता है कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो किस में मिलती है? एक्स क्रोमोजोम में। ठीक है, तो इस हिसाब से तो फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स में क्या है? 2X क्रोमोजोम्स हैं, है ना, और मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोजोम है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? हमने क्या पढ़ा कि 8% मेल्स में ये कलर ब्लाइंडनेस होता है और 0.4% फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस होता है। मतलब बहुत कम फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, और उसने बोला जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो एक्स क्रोमोजोम में मिलती है, पर फीमेल्स में तो 2X क्रोमोजोम होते हैं। इसका मतलब फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होना चाहिए था, पर इसका उल्टा होता है, फीमेल्स में कलर ब्लाइंडनेस कम होता है। तो ये क्यों होता है इसको हम यहां पे समझेंगे। द सन ऑफ अ वुमेन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अब देखिए उसने क्या बोला, एक वुमेन है, ठीक है, इस वुमेन के अंदर वो डिफेक्टेड जीन मिलती है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। पर यहां पे क्या बोला, ये वुमेन तो क्या है? कैरियर। इसका मतलब इस वुमेन के अंदर वो डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से बीमारी होती है, मतलब जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है, पर इस वुमेन में कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो रहा है ना। तो कैरियर क्या होता है?
कैरियर एक ऐसा पर्सन होता है जिसमें डिफेक्टेड जीन तो मिलती है, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है, पर उसमें बीमारी होती नहीं है। तो इसका मतलब ये वुमेन क्या हुई? कैरियर। ठीक है, अब उसने आगे बोला, इस वुमेन का जो लड़का होगा उसमें 50% चांसेस होंगे कि ये कलर ब्लाइंड होगा, या 50% चांसेस होंगे कि ये कलर ब्लाइंड नहीं होगा। अब ऐसा कैसे निकला कि 50% कलर ब्लाइंड हो भी सकता है और 50% कलर ब्लाइंड नहीं भी हो सकता है, ये कहां से निकला? इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले है कैरियर मदर, ठीक है, और यहां पे है नॉर्मल फादर, ठीक है। अब मदर है मतलब वुमेन है, तो इसमें दो एक्स क्रोमोजोम मिलेंगे। मैं इनको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, एक एक्स क्रोमोजोम ये और दूसरा एक्स क्रोमोजोम ये। अब ये वाला जो एक्स क्रोमोजोम है, इसमें वो डिफेक्टेड जीन है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। पर हमने यहां पे क्या पढ़ा, ये जो वुमेन है ये क्या है? कैरियर, मतलब इसमें बीमारी दिखेगी नहीं, पर इसके अंदर वो जीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से बीमारी होती है, तो ऐसे को बोला जाता है कैरियर। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये है नॉर्मल फादर, मतलब ये मेल है, तो मेल में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोजोम होता है और एक वाई क्रोमोजोम होता है। तो ये एक्स क्रोमोजोम हो गया, ये वाई क्रोमोजोम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे, मतलब जो वुमेन है, जो मदर है, उसमें क्या बनेंगे? ओवम। तो 50% जो ओवम होंगे, ठीक है, 50% जो ओवम होंगे उनमें नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम मिलेगा, और 50% जो बाकी ओवम है उनमें डिफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही जो फादर है, जो मेल है, उसमें 50% में तो एक्स क्रोमोजोम मिलेगा और 50% में वाई क्रोमोजोम मिलेगा। क्लियर? ठीक है, ये क्या है? एक्स क्रोमोजोम, डिफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम। अब यहां पे बनाएंगे हम पुनिट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिख देंगे स्पर्म्स। तो स्पर्म्स कैसे हैं? एक में है एक्स क्रोमोजोम और एक में है वाई क्रोमोजोम, और यहां पे लिख देंगे हम ओवम्स। तो यहां पे ओवम्स कैसे हो गए? एक ओवम तो ऐसा हो गया जिसमें कि नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम है, और एक ओवम ऐसा हो गया जिसमें डिफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम है, ठीक है। अब इसको इससे क्रॉस करा दो, तो यहां पे क्या बना? ये एक्स एक्स, ठीक है, मतलब यहां पे दोनों के दोनों जो एक्स हैं वो कैसे हैं? नॉर्मल है। तो इससे कैसी बनेगी? इससे नॉर्मल डॉटर बनेगी, मतलब जो बच्ची पैदा होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। अब मान लो ये स्पर्म इस ओवम से मिल गया, तो यहां पे क्या बनेगा? एक एक्स तो नॉर्मल हो गया और दूसरा एक्स कैसा हो गया? डिफेक्टेड, ठीक है। तो दो एक्स हैं, मतलब यहां पे भी डॉटर बनेगी, पर ये डॉटर कैसी होगी? कैरियर, ठीक है, कैसी होगी? कैरियर। अब ये वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म इस ओवम से मिलेगा, तो यहां पे क्या बनेगा? एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और एक नॉर्मल वाई क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये क्या बना? नॉर्मल सन, ठीक है। अब लास्ट वाला, ये जो वाई क्रोमोसोम है ये किससे मिल जाएगा? इस एक्स क्रोमोसोम से। तो यहां पे क्या हुआ? एक जो है वो डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम हो गया और एक नॉर्मल वाई क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? कलर ब्लाइंड सन, ठीक है, यहां पे क्या बनेगा? कलर ब्लाइंड सन। तो अभी हमने ऊपर लाइन में पढ़ा था कि अगर एक वुमेन है जो कि कैरियर है, ठीक है, वो क्रॉस करती है, मतलब मेटिंग करती है नॉर्मल फादर से, मतलब नॉर्मल मेल से, तो इनमें जो लड़के पैदा होंगे उनमें
50% चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड होंगे और 50% चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। तो यहां पे कितने लड़के बने, यहां पे दो लड़के बने, एक लड़का ये और दूसरा लड़का ये, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए, इनमें से जो एक लड़का है वो हो गया कलर ब्लाइंड, मतलब 50% कलर ब्लाइंड हो गए, और जो बाकी दूसरा लड़का बचा वो कैसा हुआ, नॉर्मल। इसका मतलब जो 50% है वो नॉर्मल हुए। तो यही चीज दी हुई है वहां ऊपर लाइन में। अब देखो यहां पे क्या है, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं कैरियर डॉटर का, ठीक है। यहां पे तो इसमें क्या है, एक जो एक्स है वो कैसा है, नॉर्मल, और दूसरा जो एक्स है वो कैसा है, डिफेक्टेड। तो ये जो डॉटर बनी वो कैसी बनी, कैरियर। तो इसमें डिजीज हुई क्यों नहीं, ठीक है ना, इसमें डिजीज हुई क्यों नहीं, इसमें तो प्रेजेंट है ना, ये डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इसमें डिजीज क्यों नहीं हुई, ये कैरियर क्यों हुई, इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट, ठीक है, और जो डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, रिसेसिव। तो इसमें क्या हुआ, एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और एक डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है, तो जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट हो गया, ठीक है, और जो डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है वो रिसेसिव रह गया। तो इस वजह से इस लड़की में डिजीज नहीं दिखी, ये सिर्फ कैरियर रह गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, कलर ब्लाइंड सन की, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा है, डिफेक्टेड है, और दूसरा क्या होगा, वाई क्रोमोसोम, वो नॉर्मल है, ठीक है। अब जो वाई क्रोमोसोम होता है वो हमेशा रिसेसिव रहता है, ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि जो डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वो भी रिसेसिव होता है। तो इस वजह से यहां पे दोनों के दोनों क्रोमोसोम कैसे हो गए, रिसेसिव। और ऊपर हमने पढ़ा भी है जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो कैसी बीमारी होती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इसीलिए इसको बोला जाता है रिसेसिव डिसऑर्डर। अच्छा, इस पॉइंट को भी यहां पे क्लियर कर लेते हैं कि यहां पे दिया गया है कि 8% जो मेल्स होते हैं उनमें बीमारी होती है और 0.4% फीमेल्स में यह बीमारी होती है। मतलब यह बीमारी मेल्स में ज्यादा क्यों होती है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेल में एक एक्स तो ये हो गया और एक वाई हो गया। अब अगर ये एक्स अफेक्टेड होगा तो डिजीज हो जाएगी, क्योंकि ये भी रिसेसिव हो गया और ये भी रिसेसिव हो गया, तो इससे यहां पे डिजीज हो जाएगी, ठीक है। पर अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में क्या होता है, एक एक्स ये और दूसरा एक्स ये, ठीक है। अब मान लो ये वाला एक्स अफेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया, रिसेसिव, ठीक है, और ये वाला एक्स नॉर्मल है तो ये कैसा हो गया, डोमिनेंट। तो इस वजह से यहां पे बीमारी नहीं दिखेगी, ये सिर्फ कैरियर होगी, ये हमने वैसे पीछे पढ़ लिया था। तो इसलिए जो मेल्स होते हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है और जो फीमेल्स होती है उनमें ये बीमारी कम होती है। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मदर है या जो वुमेन है उसमें क्या होता है, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। तो जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है वो कैसा हो गया, रिसेसिव, इसलिए यहां पे बीमारी नहीं दिखती है, क्योंकि जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। इस वजह से जो वुमेन्स होती हैं उनमें बीमारी नहीं दिखती है, वो सिर्फ कैरियर होती हैं। दैट मींस दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। तो जो नॉर्मल जीन होती है वो कैसी होती है, डोमिनेंट हो जाती है,
इस वजह से यहां पे बीमारी नहीं दिखती है। ठीक है, ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। तो देखिए जो डॉटर होती है, ठीक है, वो नॉर्मली तो कलर ब्लाइंड नहीं होती है, पर एक केस में डॉटर भी कलर ब्लाइंड हो सकती है। कब? अगर उस डॉटर की जो मदर है वो कैरियर हो और जो फादर है वो कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पे है कैरियर मदर, ठीक है, तो कैरियर मदर है तो इसमें क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल होगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होगा। ठीक है, और यहां पे क्या है, कलर ब्लाइंड फादर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एक्स क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड होगा और दूसरा क्या होगा, वाई क्रोमोसोम। ठीक है, फिर यहां पे क्या होगा, वही गैमेट्स बनेंगे, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पे 50% ओवम में नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, 50% ओवम में अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम। ऐसे ही 50% जो स्पर्म्स हैं उनमें अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम और 50% जो स्पर्म्स हैं उनमें नॉर्मल वाई क्रोमोसोम। अब वही पुनिट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे लिख लो आप सबसे पहले स्पर्म, तो ये हो गया एक्स क्रोमोसोम और ये हो गया यहां पे वाई क्रोमोसोम, ये चीज लिख देना यहां पे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्पर्म्स हैं और ये क्या है, ओवम्स। ठीक है, अब ओवम को यहां पे लिख लो, तो यहां पे एक हो गया नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और यहां पे दूसरा हो गया अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम। अब क्रॉस कराओ तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल एक्स, ये अफेक्टेड एक्स। अब इस केस में देखिए, ये जब इससे मिलेगा तो यहां पे क्या हुआ, एक अफेक्टेड एक्स और दूसरा भी अफेक्टेड एक्स। ठीक है, तो ये जो डॉटर होगी ये होगी कलर ब्लाइंड, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे हैं, अफेक्टेड हैं, मतलब दोनों के दोनों रिसेसिव हो गए, क्योंकि जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड हैं, मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव हैं और इस वजह से इस डॉटर में कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हीमोफीलिया के बारे में, दिस सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। तो हीमोफीलिया क्या है, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, मतलब हीमोफीलिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगी वो कहां मिलेगी, सेक्स क्रोमोसोम में, इसलिए हीमोफीलिया को बोला जाता है सेक्स लिंक्ड। अब रिसेसिव डिजीज क्यों बोलते हैं उसको तो हम आगे देखेंगे। विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, जो कैरियर फीमेल होती है उससे वो बीमारी ट्रांसफर हो जाती है उसके कुछ लड़कों में। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। तो इस डिजीज में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, वो जो प्रोटीन होता है वो जरूरी होता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए। देखिए जैसे क्या हुआ, हमारी चोट लगती है या कहीं पे कट लग जाता है तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, पर एक टाइम के बाद क्या होता है, खून निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक पपड़ी सी जम जाती है जिसे क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। अब उस क्लॉट को बनाने के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोटीन में ही कुछ डिफेक्ट हो जाता है। तो अगर इस प्रोटीन में डिफेक्ट आ गया तो इस वजह से जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो भी अफेक्ट होगी, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, छोटे से सिंगल कट की वजह से भी
कई सारा खून निकल जाएगा। ड्यू टू दिस इन अन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंगल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। तो जिस भी पर्सन को हीमोफीलिया होता है उसमें अगर सिंगल कट भी लग जाए तो कई सारा ब्लड लॉस हो जाता है, मतलब नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, बिना रुके काफी सारा खून बह जाता है। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। अब देखिए उसने क्या बोला, जो कैरियर फीमेल होती है ठीक है, वो इस डिजीज को ट्रांसमिट कर देती है किसमें, अपने लड़कों में। मतलब अगर इस कैरियर फीमेल के लड़के हुए तो उनमें वो बीमारी, मतलब उनमें हीमोफीलिया हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये एक कैरियर मदर है ठीक है, और यहां पे एक नॉर्मल फादर है ठीक है। अब देखिए हीमोफीलिया भी एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, मतलब हीमोफीलिया के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होती है वो कहां मिलती है, एक्स क्रोमोसोम में। तो इस कैरियर मदर में एक एक्स क्रोमोसोम होगा जो नॉर्मल होगा, और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो अफेक्टेड होगा ठीक है। अब ये कैरियर ही क्यों हुई, इसमें बीमारी क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है जो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वो तो रिसेसिव होता है, पर जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होता है वो डोमिनेंट होता है ठीक है ना। तो जो हीमोफीलिया है वो कैसी है, एक रिसेसिव डिजीज है, मतलब ऐसे पर्सन में ही हीमोफीलिया होगा जिसमें दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स रिसेसिव होने चाहिए। तो इसमें ये तो हो गई रिसेसिव, और ये क्या हो गई डोमिनेंट। तो इसलिए इस मदर में डिजीज नहीं होगी, पर ये कैरियर है क्योंकि इसमें क्या है, ये अफेक्टेड क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और दूसरा क्या हो गया, नॉर्मल फादर। तो इसमें क्या होगा, एक एक्स हो गया वो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा, और एक वाई क्रोमोसोम हो गया वो भी नॉर्मल होगा ठीक है। अब वही गैमेट्स बनेंगे, तो यहां पे एक्स ये अलग हो गया और ये वाला एक्स अलग हो गया, ऐसे ही फादर में भी गैमेट्स बनेंगे, तो ये एक्स अलग हो गया और ये वाई अलग हो गया। अब बना लो यहां पे पुनेट स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं स्पर्म। तो स्पर्म जो कैसे है, नॉर्मल है ठीक है। तो ये स्पर्म हो गया जिसमें नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, ये स्पर्म हो गया जिसमें नॉर्मल वाई क्रोमोसोम है, और इधर हम लिख देंगे ओवम्स ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या है, एक ओवम जिसमें नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा ओवम जिसमें अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है ठीक है। अब वही क्रॉस करा दो, तो यहां पे एक्स एक्स मिला, मतलब दोनों के दोनों नॉर्मल एक्स मिले, तो ये क्या हो गई, ये हो गई नॉर्मल डॉटर ठीक है। फिर अब इसको इससे मिला दो, तो यहां पे क्या बना, एक नॉर्मल एक्स और एक अफेक्टेड एक्स, तो ये कैसी हो गई, कैरियर डॉटर ठीक है। अब सेम ऐसी इस नॉर्मल वाई को नॉर्मल एक्स से मिला दो, तो क्या बनेगा, नॉर्मल एक्स और नॉर्मल वाई, तो ये क्या बना, नॉर्मल सन ठीक है। अब इस नॉर्मल वाई को अफेक्टेड एक्स से मिला दो, तो यहां पे अफेक्टेड एक्स ये हो गया ठीक है, ये हो गया, और यहां पे क्या हो गया, एक वाई क्रोमोसोम हो गया, तो ये क्या बना, ये बना हीमोफीलिया सन, मतलब इस सन में बीमारी होगी। अब क्यों होगी, इसको हमने वैसे देख लिया था, इस सन में क्या होगा, ये हो गया एक्स क्रोमोसोम जो कि अफेक्टेड है, और दूसरा हो गया वाई क्रोमोसोम, तो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम भी रिसेसिव होता है और वाई क्रोमोसोम तो रिसेसिव होता ही है, तो यहां पे दोनों के दोनों क्रोमोसोम रिसेसिव हो गए, इसलिए यहां पे बीमारी हो गई, क्योंकि हीमोफीलिया क्या है, एक रिसेसिव डिजीज है ओके।
द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एट लीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। तो देखिए सेम वैसे ही है जैसे कलर ब्लाइंडनेस के केस में था। तो अगर किसी फीमेल में हीमोफीलिया होना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, इस फीमेल की जो मदर होगी वो क्या होनी चाहिए, कैरियर, ठीक है, और जो फादर है वो क्या होना चाहिए, अफेक्टेड, मतलब उसमें हीमोफीलिया होना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल कब होगी हीमोफिलिक, जब उसकी जो मदर है वो कैरियर हो और उसका फादर हीमोफिलिक हो, तो उससे जो फीमेल बनेगी वो हीमोफिलिक होगी, मतलब ये जो डॉटर होगी ये कैसी होगी, हीमोफिलिक। अब ऐसा कैसे हुआ उसको समझते हैं। तो ये है कैरियर मदर और ये है अफेक्टेड फादर, ठीक है। तो जो कैरियर मदर होगी उसमें क्या होगा, एक एक्स नॉर्मल और दूसरा एक्स अफेक्टेड, और जो अफेक्टेड फादर होगा उसमें क्या होगा, एक एक्स अफेक्टेड और दूसरा वाई क्रोमोसोम, ठीक है। फिर सेम वही होगा, ये एक्स अलग, ये एक्स अलग, ये जो एक्स है कैसा है, अफेक्टेड है, ठीक है, ये जो एक्स है कैसा है, अफेक्टेड है, फिर ये एक्स अलग जो कि अफेक्टेड है और ये वाई अलग, ठीक है। फिर वही बॉक्स बना लो, इसमें यहां पे डाल दो स्पर्म पहले, तो ये हो गया अफेक्टेड एक्स और ये हो गया नॉर्मल वाई। अब यहां पे ओवम, ये हो गया नॉर्मल एक्स और अफेक्टेड एक्स, तो ये इससे मिला, तो यहां पे क्या होगा, एक अफेक्टेड एक्स और एक नॉर्मल एक्स। अब ये वाला केस है, ये इससे जब मिलेगा तो यहां पे ये भी अफेक्टेड एक्स और ये भी अफेक्टेड एक्स, तो ये जो डॉटर होगी ये कैसी होगी, कलर ब्लाइंड। बाकी ये तो आप खुद ही कर लोगे यार, है ना, इससे पहले भी कर लिया था कलर ब्लाइंडनेस वाला, सेम वैसी है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज ए नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज ए कैरियर ऑफ द डिजीज। तो देखिए जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी जब फैमिली पेडिग्री को स्टडी किया गया तो उसमें निकल के क्या आया कि क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली है उसमें हीमोफीलिया प्रेजेंट है और ये हीमोफीलिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है।